दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अब तो बूंदाबांदी भी होने लग गई है, हो गया कुकड़वाड़ है, काम आएगा। और वो वाला लक्ष्मी जी तो आ चुके कपड़े धो के भी। अब मंडाई के पश्चात आप इसकी छटाई की चुका है, निकल गया तो पहाड़ी कोटा, और फूल भी मुरझाने लग गया। करने के लिए फूल भी बन चुका है। मैंने भी सभी का स्वागत है हरी लक्ष्मी पहाड़ी ब्लॉग में। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ठीक सुबह के 10 बजे से। तो देखिए ठीक पीछे लक्ष्मी जी तो लग चुकी है, कांटे काटने पर झाड़ झूर और पता नहीं क्या क्या हो रहा। आज हो रही है सफाई। अच्छा था। अच्छा लगे हैं। जी जी लग जाते हैं। हाँ हाँ फिर उन्हें ढूंढने का डर होता है। नीचे हमारे गौशाला में गुठार बोलते हैं, इससे मार जाएंगे। हमें ये दिक्कत होगी ना। जी 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 मेरा ऐसे वाला खेत है ऊपर से, हमने सोचा ही नहीं काट लेते हैं ना। ठीक है ठीक। और हमारा बछड़ा हो गया, चिनकी हो गई और बड़ी वाली बकरी आराम से धूप सेक रही है मस्त होके। कुछ उनको हमने खाने को भी दिया है, बहुत बढ़िया। मौसम बिल्कुल खुशनुमा हो रखा है दोस्तों, शाम सुबह ठंड है और इस समय बिल्कुल नीला आसमान दिखाई दे रहा होगा आपको। बस केले का भी सीजन जाने वाला है, इससे पहले उसका सीजन जाए हमें उसको काट के दरकिनार करना होगा केले को ना, केले के पत्ते, ताकि वो खान गाय बकरी के काम आ सके। अच्छा जब भैंस होती थी ना उसे तो हमने डाल दिया उस खड़ेरे में। चलो कोई नहीं, पस्ता हो रहा है, देखेंगे कभी कभी के जमाने में हमारे चार चार भैंस होया करते थे, आज देख कर तो कुछ भी नहीं है ना। सही बात है, कभी कभी जब दुख होता है। और इसमें मूला बोया हुआ था है। मूला और कोट बोलते हैं इसे। ठीक ठीक ठीक। हमारे हमारे इलाके में भी भूत आ जाता है ना। जी 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 कहीं तो नहीं बोया जाता है। कुमरा लग रहा है अभी भी। कुमर सीजन है ना अभी तो, तो देखिए माल्टा भी पकने शुरू हो चुके हैं दोस्तों। दिन प्रतिदिन जो माल्टे की पेड़ की टहनियाँ झुकती जा रही है, और देखो सामने और फूल भी मुरझाने लग गया। आज चावल भारी में बनना है, गैस में बहुत समय लगता है, पानी बहुत ठंडा हो रखा है। तो आज हमारा चावल बहुत भारी में बन रहा है दोस्तों। अब देखिए ताऊ जी भी आ चुके हैं, अब धीरे धीरे लंच करने के लिए चलिए जी। फ्रेंड चावल भी बन चुका है, मैंने भी भात को किनारे पे निकाल दिया है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। और आग तो क्या सुंदर जग रही है, इसके ऊपर पानी चढ़ा देंगे। तो चलिए जी सजावट का काम शुरू हो चुका है, निकल गया। तो ये कल हम लेके आए थे शुभ दीपा वाली, तो इनको हम लगा रहे हैं, चौखट पर लगाया जा रहा है, इस साइड में भी लगा लिया है, बाहर वाली साइड देख लगा के देखते। मेरा फोन पर मत मार देना। चलो मैं पकड़। किसको? ये छोटा क्यों हो गया?
आजे चलो तो टांग। देखिए दोस्तों, लक्ष्मी जी लगी है कोटवा की मुंडाई करने में, जिसका कि आपको पता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर इसके बच्चों के लिए खिलौने भी हम बनाते हैं। घोड़े, हाथी, गोल गोल लड्डू भी बनते हैं। पानी में उबाल के पहले इसको पीसा जाता है। जी जी, फिलहाल तो इसकी मंडाई हो रही है, फर्स्ट प्रोसेस है इसका। तो आप बताना आपकी तरफ ये होता कि नहीं होता, पैरों से इसको मारना होता है। होता होगा तो मैं लिखना जरूर ना। जी जी, पहाड़ी कोटा, पहाड़ी कोटा, मोटा नाच। पहले जमाने के बहुत खाते थे इसे, जब खाना नहीं होता था ना। आजकल के जमाने में तो राशन मिल जा रही है, मिलते हैं ना। जी, तो पहले जमाने में तो लोग इसी से दिन काटते थे, वो अपना गुजारा करते थे। सही बात है। जब बेटी बड़ी जंगल जाते थे तो इसे इन्हें ले जाके रात दिन में खाते रहते थे। अपनी सहेलियों को भी दे देते थे जिनके घर में नहीं होता था। आज के जमाने में तो सब कुछ सट गला है, क्योंकि तब के जमाने में तो बहुओं को कुछ नहीं मिलता था। सुना है हमने भी, आपने भी सुना होगा अपनी माँ दादी से ये कहानी, है ना, कि सास कुछ देती नहीं थी। मंडाई के पश्चात अब इसकी छटाई की जा रही है सोंपे से। मंडाई करके उसका ढेर यहाँ कर दिया गया है, घास का जो उससे बचा हुआ, और उतनी छटाई के लिए बचा है, बाकी टब में रख दिया गया है। बहुत बड़े आदमी नित रही आज। तो दोस्तों ये रहा कोटू, बहुत ही बढ़िया। फाइनली सब चीज करने के पश्चात दोस्तों ये रहा, इतना इसके अंदर कूड़ा निकला, वो पिंड का काम आएगा। और वो वाला अभी बैलों को दिया जाएगा। इतना रहा है कोटा, कितना किलो होगा? 5 किलो होगा, सूखे कम हो जाएगा। 4 किलो तो है, फिर भी कम थोड़ी है। तो ये रहा हमारा देवी देवताओं का पहले जमाने का भोग, इसी से लगाया जाता था ना। अभी लगाया जाता है, अभी लगाया जाता है, पहले बार में जैसे देवी देवताओं का बार लगता है, उससे पहली बार प्रसाद के रूप में इसे ही दिया जाता है ना। जी जी, बहुत शुद्ध चीज है। इससे तो कई बीमारियां भी करती होंगी। जी जी जी, इसका भाव तो बहुत महंगा होगा फिर मार्केट में, उत्पादन कम है ना इसका। चलो ठीक है, तो कमेंट में बताना। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी जी तो आ चुके कपड़े धो के भी। बिजली का बिल आ गया क्या? कितना बड़ा है? 121 अनुमानित आया है ना सर। अपना ले लगी मैं चाय, तुम्हारा तो कोई काम ही है। चलो तो बनाओ, ठंड भी वैसे हो रही है। तो दोस्तों समय हो रहा 3:15 बज रहे हैं, तो लक्ष्मी लगी है। हाँ भाई, आज की हमारी जो बिजाड़ जमी है ना, इसको ढका लिया गया था हमने, लेकिन इसके लिए सूर्य की रोशनी भी जरूरी है, नहीं तो पीला हो जाएंगे। इसको ढकाने का एक मकसद ये भी था कि कुत्ते और बिल्लियाँ इस बीच में जाके खड्डे खोद रहे हैं, खड़े और खन जोड़ना चाहना। तो आप बाहर कन पड़े ले त्रिपाल तो मिला टैल मिल बोलने तो उन्होंने पीला हो जाना है ना। और तो मौसम तुरंत करवट बदले आली और चारों तरफ बादल लगे, ठंड का खैर बढ़ चुका है। देखिए दोस्तों, आसमान बादलों से घिरा हुआ है। ओ देखो, पश्चिम से लेकर
चारों तरफ गेहूं के खेत तो बहुत जल्दी जल्दी हरियाली हो चुके भाई। आए गो भाई आए तो बोले कि तुम उधर उधर जा रहे हैं, तो चलो करो हो गया। कुकड़बाड़ है देखिए दोस्तों, मौसम की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ चुकी है, अब तो बूंदाबांदी भी होने लगी है, हवाएं भी तेज चलने लगी है भाई साहब, चारों तरफ अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल बहुत ठंड है, बहुत ठंड। देखो इसको भी कीड़ा लग जाता है जब भी, नहीं कॉलेज पे लगते हैं ना तुरंत कीड़ा लग जाता है, पता नहीं क्या बात है। समय हो चुका है 4:45 और मौसम पूरी तरह से बिगड़ चुका है, पहाड़ों से हम बादल पूरी तरह से खराब स्थिति, बादलों से घिरा हुआ आसमान। यहाँ पर भगत भाई आग जलाते हुए, क्यों भाई जाडू है ना, जाडू हो भाई जाडू, क्या करे भाई, भड़का भड़का खूब। तो चलिए जी, लक्ष्मी जी तो आ गई है घास बांध लेके, क्योंकि मौसम बहुत गड़बड़ लग रहा है। हाँ तो मैंने सोचा कि घास इकट्ठा कर लें, क्योंकि कल मैं गाय को मेल भी पाऊंगी या नहीं मौसम के कारण, तो बकरी को ले जाना पड़ेगा, चलो घर में ही लेके आएंगे उनके लिए। तो आपने रख ली उनके घर में लकड़ियाँ? ठीक है, तो कल बर्फ जरूर दिखाई देगी पहाड़ों पर यदि बारिश होगी तो, ठीक है ना, अपना दूध अतुली चमक जाएगा बर्फ से तो। हाँ तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी जी, बर्फबारी देखने को मिलेगी फर्स्ट। हाँ तो आपने रख ली ना लकड़ियाँ? हाँ रख ली मैंने, वहाँ पे पड़ी सुहाड़ में, किसने रखना था? आपने नहीं रखी? कहाँ रखना था मैंने, काम क्या था? तुम्हारे बिना कहाँ होगा। तो देखिए बिल्कुल मौसम बिल्कुल अंधकार हो चुका है दोस्तों, और बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है उसे कुछ देर पहले से। ओ देखो तो 100% चांस है कि बारिश हो गई होगी कल, वहाँ तक आपको बर्फ भी दिखाई देगी फिर यदि बारिश होगी। तो ऐसा ऐसा रहा मौसम का हाल आज का, ठीक है। तो मैंने सोचा कि कुछ काम किया कर लिया जाए, आप तो बहुत ही आलसी चला रहे हैं, आपने आप पे आज का काम नहीं है तो आप तो बिल्कुल बन गए हैं जैसे कि मठल्ले जैसे। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा इस दीवार को दे देते तीन देते इस वाली को। हाँ क्योंकि जो वहाँ से गार और खटवा खड़पतवार आता है तो हमारे गौशाले में आ जाते हैं ना सारे। हाँ ऐसे ना, सर्दियों में इतनी बारिश तो होती नहीं होती, होती है या नहीं होती है, पर फिर ये देखिए कितना पूरा करवट होता है, सारे यहाँ आ जाता है पानी से, कितना घेर आता है वहाँ से वक्त तक। देखा आपने, अभी आपने देखा होता तो आप खुद चीन लेते ना, बना लेते हैं। तो मैं बरक नहीं रहा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बरकूंगा नहीं, नहीं काम नहीं है तो थोड़ी आलसी ना फैलाओ ना, आलसी बनता सबसे बेकार है इंसान के लिए, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कुछ कर लो कुछ कर लो कुछ कर लो। ठीक है ठीक है, करूँगा भाई। तो सुना दोस्तों आपने, उपदेश मिल गए बड़े, उपदेश की बात नहीं, एक रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा की बात है, या रोटी खाने में मुश्किल होने। तो भाई अपने घर में रहकर तो कितना कुछ तो करना पड़ता है ना, सही यहाँ पे बताओ लिखना जरूर कि मैं ठीक बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ। तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि बारिश का मौसम बना हुआ है, अंधेरे भी होने वाला है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं लक्ष्मी जी के द्वारा। आगे बोलो, तो आई के बोलना है ये हम ये लकड़ियां भी इकट्ठा कर लेंगे। नहीं नहीं यार, एंड के लिए बोलो आप। अच्छा एंड के लिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, बस और क्या बोल सकते हैं, धन्यवाद। जय उत्तराखंड जय भारत, जय उत्तराखंड जय भारत। लकड़ी तो हमारी चलती रहेंगी, नहीं चलती क्यों रहेंगी, इकट्ठा तो करनी पड़ेंगी। ठीक है ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों।